मेरी सुनती हो तो मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि मुस्लिम शाहरुख से बहुत बेहतर है। कोई खास मीटिंग है क्या आज? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो एक बात यह है कि रियलिटी शो के लिए आज कुछ सिलेक्शन करनी है फनकारों की। चैनल का मामला है, जरा खुश खुश प्रेजेंट मूड में आना चाहिए। देखिए, अगर आप इन प्रोग्राम्स की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो मैं निजामी से बात करके आपकी प्रमोशन करा सकता हूँ एज अ डायरेक्टर स्पेशल प्रोग्राम्स। अब शारिफ, मुझे करना क्या होगा? कुछ भी नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नरगिस खान एक टैलेंटेड लड़की है। पैसे वैसों की खास फिक्र नहीं है। एक बात और सुनिए, जब उसने एबीसी वालों को बताया कि वो उनको छोड़कर हमारा चैनल ज्वाइन करने जा रही है, उन्होंने नरगिस का पैकेज मजीद बढ़ा दिया, लेकिन उस पर भी वो नहीं मानी, उसने हमारा चैनल ज्वाइन किया। शाहरुख मिर्जा, आजकल मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैं और मेरा दिल हवाओं में उड़ रहा है। हाय मुझे बाबू, मुझे नरगिस खान से मोहब्बत हो गई है। ठीक है, आप चली तो जाइए, लेकिन आपके ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं ये चैनल छोड़ के जा रही हूँ। नरगिस, बात सुनाई, आपको गलतफहमी हुई, ऐसी कोई बात नहीं। निजामी साहब बड़े अच्छे दिल के आदमी, आप मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इतनी सी बात। आपको तुम्हें मैं बहुत डिसेंट इंसान समझती थी, मगर तुम इस चैनल में औरतों को नौकरियां दिलवाते हो। शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। नरगिस, निजामी किया क्या है आपने? आपके आखिरी जुमले उसे सुन लिए, एक खौफनाक किस्म की गलतफहमी का शिकार हो गई है वो, जो कि मुझे दूर करनी पड़ेगी। ऐसा रुक भी गया, तू देख क्या? Let me clear to her. नरगिस, मेरी बात सुनिए एक मिनट। ये मुझे माऊ, एक तो चैनल का मालिक ऊपर से इतना हसीन, नरगिस मुझे देख के रह गई, ऊपर से एक्टिंग कर रही है कि मुझसे नफरत कर रही है। ये अलग चैनल छोड़ के न जाए, अभी तो बात बनना शुरू हुई थी, बिगड़ ना जाए। नरगिस प्लीज, आप मेरी बात माने, शाहरुख सर ऐसे आदमी नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही होगी। अगर मैंने खुद अपने कानों से ना सुना होगा तो शायद गलत फहमी होती, मगर मैंने खुद सुना। वो कह रही थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और वो मुझे खोना नहीं चाहती, और शाहरुख को कह रही थी कि मुझ पर नजर रखे कि कोई और ऑफर। काश इससे पहले की भी बातें तुमने सुन ली होती तो अच्छा होता ना तुम्हारे लिए। हाँ, उससे पहले क्या बात हो रही होती कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ। तुम्हारी खूबसूरती की तो तारीफ उन्होंने की ही रही है। आज तो निजामी साहब इस तरह की बात कर रहे थे कि सुन के मैं खुद हैरान हो गया। क्या कह रहे थे सर वो? आज निजामी का बिल्कुल एक बदला हुआ रूप देखा मैंने। मुख्तलिफ कॉल्स आ रही थी मुबारकबाद की, लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे, वो खुश हो रहा था। खास तौर पे एक वो गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी कॉल किया, कहने लगा नरगिस के शो ने मेरे चैनल की और मेरी इज्जत बढ़ा दी है, मेरी शान बढ़ा दी है। सर वैसे हैरत की बात है कि निजामी को कब से एहसास होने लगा कि कौन सा शो अच्छा जा रहा है और कौन सा बुरा। अफशीन, तुम अच्छी तरह जानती हो निजामी साहब को, चैनल का मालिक है, मालदार है, लेकिन पढ़ा लिखा तो नहीं है ना। और ऐसे लोगों की साइकी ये होती है कि वो पढ़े लिखे लोगों की इज्जत भी करते हैं, उससे मुतासर भी होते हैं। जब इतनी बेतहाशा कॉल आ रही थी मुबारकबाद देने के लिए, तो वो जज्बात में आ गया। और एक बात उनके जहन में अच्छी तरह बिठा लो, निजामी ने जो तुम्हारी तारीफ की है सिर्फ इस वजह से की है कि वो बहुत खुश था, और खुश इसलिए था कि उसे आज बहुत इज्जत मिली है, और वो भी तुम्हारी बदौलत। I'm so sorry, शाहरुख, मैंने पता नहीं जज्बात में आके तुम्हें क्या कुछ कह दिया। मुझे समझ भी ही नहीं आया कि तुमने मेरे बारे में इस तरह सोच कैसे लिया। I'm sorry. It's okay, but don't make it habit. Now relax.
टेक केयर ऑफ हर। अरे रुखसाना बहन भाई, क्या बात है इतने सवेरे सवेरे है? और ये क्या बात है भाई, ये मुंह क्यों उतरा हुआ है? मिर्जा भाई बात ही कुछ ऐसी है। क्या? कल शाहरुख ने मुझसे ऐसी बात की जिसको सुन के मेरी आंखों से नींद ही उड़ गई। देखें आपको मैंने भाई कहा है तो आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, साफ साफ बताऊंगी। हाँ भाई जरूर बताओ जरूर बताओ। जब भाई बन ही गए हैं तो फिर भाई बन के ही मशवरा भी लेंगे। मिर्जा भाई मुझे ये लग रहा है कि शाहरुख जो है ना बड़ी सफाई से मुझसे कुकिंग शो ले लेगा और मुझे इस पोजीशन पे बैठा देगा जहाँ ऊपर की कमाई बिल्कुल नहीं होगी। अरे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तुम एक पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी इतनी छोटी छोटी बातों पे दिल छोटा नहीं किया करते। और क्या भाई, अगर नियत और इरादा ये हो कि ऊपर की आमदनी बनानी है तो बस कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। इस सिलसिले में मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ तुम्हारी इंस्पिरेशन के लिए। जी जी जरूर बताएं मिर्जा भाई। एक बादशाह था, उस बादशाह को अपने वजीर के खिलाफ ऊपर की कमाई पैदा करने की शिकायत मिली। बादशाह नाराज हो गया, उसने वजीर को समुंदर की लहरें गिनने पे लगा दिया। अब बताओ समुंदर की लहरें गिनने पे ऊपर की कमाई क्या होगी। मगर साहब वजीर भी बड़ा चलता पुरजा था, उसने वहां भी ऊपर की कमाई का रास्ता निकाल ही लिया। भला कैसे? लेकिन मिर्जा भाई मैं इस लेवल की नहीं हूँ, आप मुझे बताएं। हुआ ये कि वो वजीर जाके समुद्र के किनारे बैठ गया। बैठ गया, अब जो भी जहाज समुद्र से गुजरता था ये उसे रोक के उसे भारी जुर्माने की धमकी देके उससे रिश्वत खाना शुरू कर देता था। वो क्या कहता था उससे, जहाज वाले से ये कहता था कि देखो भाई तुम्हारा जहाज यहां से गुजरा है ना तो जो लहरें मैंने तरतीब से रखी थी वो सारी बिगड़ गई तरतीब, लिहाजा तुमने सरकारी काम में मदाखलत की है। वाह मैं सबके जाऊं। किसके जहाज के? नहीं उसके दिमाग के। भाई देखो ये जो लहरें गिनने वाला काम है तो जो शाहरुख ने काम तुम्हें बताया है वो कम से कम लहरे गिनने से तो ज्यादा तर है ना। और क्या, और फिर तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, जब भी मौका होगा मैं तुम्हें बताता रहूंगा अब ये करना है अब ये करना है अब ये करना है अब यूं करो। लेकिन भाई माशूक साहब वाले शो की बात नहीं होगी कि भाई को महज कुर्तों पे ही तरखाने की कोशिश कर दी। नहीं मिर्जा भाई वो तजर्बा तो बहुत तल्ख था, अब हम दोनों भाई बहन मिलजुल के काम करेंगे। भाई दोनों भाई बहन मिल के काम करेंगे तो बड़ी बरकत होगी। प्रॉमिस। बोल बाला बोल शोर चैनल है। जी हाँ शोर चैनल। ऑडिशन के लिए आए? आप एक मिर्जा साहब सुबह से इतने लड़के आए हुए हैं ऑडिशन के लिए, बैठने तक की जगह नहीं, मैं क्या करूं? जी ओके ठीक है। शोर चैनल? जी हाँ शोर चैनल। मैं ऑडिशन के लिए आई हूँ। ओके आप यहाँ से सीधी चली जाइए, लेफ्ट रूम पर मिर्जा साहब होंगे, वही आपका ऑडिशन करेगा। थैंक यू। यार ये खूब सिस्टम है, लड़कियों को आते ही ऑडिशन के लिए अंदर भेज दिया जाता रहा हूँ, यहाँ सुबह से ख्वार हो रहा है। यार काशिफ, काश हम भी लड़की होते तो इतनी ख्वारियाँ नहीं करनी पड़ी होती। जी ऑडिशन आज ही हैं, आपको आना है तो अरे आप आ जाइए।
अच्छा आपका क्या नाम है? रमीश सर। ओके, और आपका? सर अरसलान खान। आप लोगों ने कभी पहले एक्टिंग वगैरह की है कि नहीं? सर हम ओके। वेल मुझे तो सिर्फ दो कैरेक्टर्स ही चाहिए, तो ऑडिशंस में देखते हैं कि कौन खुश नसीब सिलेक्ट होता है। और हाँ, ऑडिशंस में मेरे साथ एक बहुत बड़ा नाम भी है, आप लोग जानते ही होंगे, एनबी। तो देखते हैं कि कौन दो खुश नसीब सिलेक्ट होते। जी आपका नाम? शीरिन। क्या मीठा नाम है शीरिन। भाई नाम लगते ही यूं महसूस होता है जैसे किसी ने शहद का चमचा मुंह में उंडेल दिया। सिर्फ नाम की तारीफ करेंगे या कुछ काम भी देंगे? भाई नाम अच्छा है तो नाम की तारीफ कर दी, अब काम देखेंगे, अगर काम अच्छा हुआ तो काम की तारीफ भी करेंगे। काम तो जब देखेंगे जब आप काम देंगे। ज्यादातर तो यही होते हैं, हर चैनल पे लोग बुला के बिठा लेते हैं बट काम वाम कोई नहीं देता। नहीं 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 नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपको जरूर काम दिया जाएगा, बस आप थोड़ा सा इंतजार करें, हम इनका इंटरव्यू कर लें। जी आपका नाम? निशात। क्या नाम है, क्या नाम है, खुदा की कसम निशात, भाई आपका नाम सुन के तो मुझे एक शेर याद आ गया। निशात कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों में वे यास रहता हूं, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। मिर्जा साहब आप मुझसे मिलकर उदास नहीं रहेंगे। अच्छा भाई फिर तो आपको जरूर चांस देना पड़ेगा। मिर्जा साहब मैं शीरी, मेरा नाम सुनते ही आपके मुंह में मिठास आ गई थी। हाँ मिठास तो बिल्कुल आ गई थी, मगर आप दिल क्यों छोटा करती हैं, आपको जरूर चांस मिलेगा। मिर्जा साहब मैं भी तो हूँ। आपको भी चांस मिलेगा, जरूर मिलेगा चांस, डोंट वरी। मिर्जा साहब आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। पर यहाँ तो तशरीफ रखने की जगह नहीं है, कहाँ बैठूं? आप दिल में बैठे। खैर कोई बात नहीं, दरअसल मैं ऑडिशन देने के लिए आई हूँ। भाई आप इतनी हसीन हैं, इतनी खूबसूरत हैं आप के आपका ऑडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें आखिर फॉर्मेलिटी भी तो कोई चीज होती है ना, वो भी तो पूरी करनी होती है। और मुझे, मेरा नाम शीरिन। जी 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 जी। और मुझसे मिलकर आप उदास नहीं रहेंगे। अरे भाई आप सब लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, आप सबको इंशाल्लाह चांस मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि पहले ऑडिशन हो जाए।